नमस्कार, घुमक्कड़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं द्वारिका के भड़केश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर है, जो समुद्र में स्थित है। समुद्र की जो लहरें हैं, यहाँ पे जो आती हैं लहरें, वो काफ़ी बड़ी होती हैं, दिखने में अति सुंदर, मनोहारी, मन को शांति प्रदान करने वाला यह मंदिर है। लगभग 5000 सालों पहले अरब सागर में स्वयं से प्रकट हुआ यह शिवलिंग आज श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जून जुलाई महीने में सागर स्वयं ही एक बार इस शिवलिंग का अभिषेक करता है और कुछ समय के लिए यह मंदिर जलमग्न हो जाता है। मंदिर का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वह शिवरात्रि है। यहाँ शिवरात्रि पर आसपास में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक शिवलिंग पर भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। यह मंदिर हर समय खुला रहता है। मंदिर के गर्भगृह के छोटे होने की वजह से सीमित भक्तों की संख्या ही जाती है। मंदिर के गर्भगृह की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी निषेध है। यहाँ पर मंदिर की जो पूजा है वह पीढ़ी दर पीढ़ी पुरोहित संभालते आ रहे हैं। यहाँ का जो शांत दृश्य होता है बहुत ही मनोहर होता है। सूर्यास्त का जो दृश्य है बहुत सुंदर दिखता है। इस मंदिर के पास में यदि आप बैठते हैं तो काफ़ी सुखद अनुभव होता है। यह मंदिर भक्तों और सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भारी संख्या में भक्त यहाँ पर जाते हैं। इसी प्रकार द्वारिका दर्शन के लिए गए थे हम लोग, तो यहाँ पे गए, यहाँ देखा, बहुत सुखद अनुभव हुआ। यहाँ की समुद्र की लहरें देखते ही बनती हैं, बड़ी बड़ी लहरें जो डर भी उत्पन्न करती है। वीडियो देख के ही सुखद अनुभव कर सकते हैं। मंदिर का ध्वज, यहाँ पर आकर लोग काफी फोटोग्राफी करते हैं। सुंदर दृश्य। ये हमारे टीम के सभी लोग हैं। इतनी संख्या में हम लोग दर्शन करने के लिए द्वारिका गए थे। अविनाश जी, दुर्गेश जी, केंद्र जी,
ये हमारी टीम के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। दूसरे नंबर पे आएंगे, ये तीनों तो कमाल के लोग हैं। दोस्तों आपको यहाँ जाना चाहिए, बटकेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए, बहुत ही सुखद अनुभव होगा। यह द्वारिका से थोड़ी दूरी पर स्थित है, द्वारिका में ही है यह वॉच टावर है। यह यहीं पे सुखद अनुभव कर रहे हैं अविनाश जी और पिंटू जी ऊँट की सवारी करते हुए।